आज जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीजें दर्शाता भी है, इमोशनल भी है और थोड़ा अजीब भी। पर हम जो भी सोचें, हमें तो जिंदगी में बस रंग ही भरने हैं। अपने आर्ट का सामान, अपने ब्रशेस और पेंस ले लें, क्योंकि हम करने जा रहे हैं फनी कलर चैलेंज। पता नहीं इसमें क्या होगा, मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छा होगा, है ना? ये आवाज कैसी है? सरप्राइज। फिर भी कुछ नहीं हुआ। हेलो, हम वेट कर रहे हैं। वो ये बहुत कूल था। वाह, हमें इसे खोलना चाहिए। खैर, ये मेरा है। hey, इसे मुझे दो, मेरा आइडिया था ना, मैंने उठाया। तुम बहुत मतलबी हो क्रिस। बबल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये बहुत सुंदर है। मैं ट्राई करूं? नहीं, प्लीज। मजा आ रहा है, जरा इसे देखो। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया, बहुत मजा आएगा। कैनवस से शुरू करते हैं। अब रोलर से इस पर पेंट करें। पूरे कैनवस को अच्छे से कवर कर दें। अब एक कॉफी कप लें और इसे व्हाइट पेंट में डिप करें और कैनवस पर लगा दें। जितने ज्यादा चाहे उतना करें। अब हम सर्कल्स में कलर करेंगे। ज्यादा अच्छे इफेक्ट के लिए अलग अलग रंग इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि बबल्स इस तरह दिखे। कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब थोड़ी और डिटेल्स। कितना शानदार बन गया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हे क्रिस, मेरे पास खुद के बबल्स हैं। क्या जल रहे हो? मैं ये ले सकता हूँ, चलो स्वैप करें। ये मुझे दो। वाह, हाँ, बबल्स कहाँ गए? ये तो खाली है। गलत बात है। ओ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं सारे इस्तेमाल कर चुका था। ये मजाक नहीं है। हाँ, अगला चैलेंज शुरू करते हैं। हे भगवान, एक यूनिकॉर्न, मैं बहुत खुश हूँ। वो थोड़े शांत हो जाओ, मुझे कुछ नए लोग ढूंढने होंगे। तुम ये क्या कर रहे हो क्रिस? मैं प्रिंसेस पार्कर्स हूँ, रेनबो किंगडम की रूलर। बिल्कुल, पर ये लुक तुम्हारे लिए अलग है। बस करो, तुम ये खराब कर रहे हो। चलो व्हील को घुमाए। कितना मजेदार है। हाथ इस्तेमाल नहीं करने, कोई बात नहीं, तो चलो। मैं अपने हाथ पीछे कर रही हूँ। ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगा था ये मुश्किल होगा। बुरा नहीं है। हो गया, तो तुम्हें कैसा लगा? ये थोड़ा, क्या कहूँ। तुम्हें आर्ट के बारे में क्या पता है? मैं तुम्हें बताती हूँ यूनिकॉर्न कैसे बनाते हैं। मुझे स्केल देखने दो। हाँ, मैं भी स्केल चेक करता हूँ। इतना यूनिकॉर्न सही रहेगा। ये क्या कर रहा है? मेरे पास एक प्लान है, इससे ये सब आसान हो जाएगा। ग्रिड पेपर की एक शीट लेते हैं और फिर यूनिकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। ये अभी थोड़ा फनी लग रहा है, पर भरोसा रखें, ये अच्छा लगेगा। जब आउटलाइन पूरी हो जाए तो बीच में भरना शुरू करें। बहुत सारी डिटेल्स के साथ कुछ भी बनाना हो तो ये तरीका अच्छा है। ड्राइंग्स को नाप कर बनाने में ग्रिड पेपर आपकी मदद करता है और इससे ड्राइंग भी आसान हो जाती है। इसके साथ कलर करना भी कितना आसान है। चलो हॉर्न पर और कलर्स करते हैं। मैंने कहा था ना ये अच्छा बनेगा। लो, मेरा यूनिकॉर्न बन गया। इसे देखो, अच्छा है ना? तुमने ये कैसे किया? मतलब मेरे वाले के तो सिर्फ बालों में अलग अलग कलर्स हैं। कम से कम तुमने ट्राई किया। जानता हूँ, मुझे लग रहा है इस बार कुछ अच्छा आएगा। एक लव हार्ट, कितना प्यारा है। देखते हैं व्हील कौन घुमाता है। मैं थंब वॉर्स में माहिर हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ओह, जीतने ही वाला था, बस कुछ बुरा ना आ जाए। पेपर इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर मैं ड्रॉ कैसे करूंगा? ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। ये देखो, पहले मैं बीच में एक लाइन बनाऊंगी और एक और अब कुछ लाइन्स ऊपर और नीचे। इंक इस्तेमाल करने से पहले
पेंसिल से गाइडलाइंस बनाना बढ़िया रहता है। जब बेसिक शेप बन जाए तो कोनों से गाइडलाइंस को इरेजर से मिटा दें। अब एक पेन ले और लाइंस के ऊपर ऊपर बनाते जाएं। इससे एक बढ़िया 3D इफेक्ट मिलेगा। अब इसमें कलर करेंगे। याद से लाइंस के अंदर अंदर ही करना। जब ये हो जाए तो अंदर के कोनों पर शेडोइंग करें। ये एक आम पेंसिल से भी हो जाएगा। जहाँ भी आपको लगे कि शेडो हो सकती है वहाँ करते जाएं, या फिर जिस हिसाब से आपको लगे कि वहाँ लाइट आएगी। एक लव हार्ट बनाने के लिए ये अलग तरीका है, पर है बहुत बढ़िया। हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, मतलब ठीक ही है। मैं क्या इस्तेमाल करूं? समझ गया, मेरे हाथ। ये काफी बेसिक है। मैं कुछ तो कर सकता हूँ। समझ गया, ये हाथ ही है। हाँ, ये कैसा रहेगा? ये हाथ ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ करना। ठीक है, अब तुम्हें कैसा लगा? अरे बस भी करो, मैं ये कर सकता हूँ। चलो फिंगर्स, मुझे निराश मत करो, मैंने ये कर ही लिया। मुझे बस रेड पेन चाहिए। एक फिंगर को दूसरे के ऊपर रखें और एक लव हार्ट बनाएं। अब एक रेड पेन से इसे फिल कर दे। ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे पसंद आया, या फिर मुझे इससे प्यार हो गया। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। एक स्माइली फेस बनाते हैं। सच्चे प्यार के लिए एक और होना जरूरी है। कितना रोमांटिक है, देखो। सच में? ओह, कितना प्यारा है। जरा रुको, मेरे पास भी एक आइडिया है। इसे खराब मत करना। बहुत अच्छा लगेगा। लो, ये हग कर रहे हैं। मैं बस रो ना दूं। ये बहुत प्यारे हैं। कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करूं? ब्लू या ग्रीन? इसे देखो तो सही। आई लव यू। अब मैं तुम्हें सपनों में मिलूंगा। वाओ, इट्स न्यू, कूल। व्हील कौन घुमाएगा? मैं जीत गया। मुझे लगा था मैं ही जीतूंगी। चलो भी, हाथों के बिना दोबारा। खैर, मैं ये कर सकती हूँ, तो चलो। शायद मैं मदद कर सकता हूँ। लो। हे, तुम गलत कर रही हो। पर कैसे? अरे वाह, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? ठीक है, मेरे पास ये ब्लाइंड फोल्ड है। मैं कैसे लग रही हूँ? परफेक्ट। ये जितना लगता है उससे कहीं मुश्किल है। तुम बहुत अच्छी हो, मतलब तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैं उसे किस कर लूं? रुको, ये नहीं भूल सकते। ये कैसा मजाक है, मैंने इस पर $20 खर्च किए थे। बकवास। हालांकि मुझे जल्दी करना होगा। हटो यहाँ से। एक पेन के होते हुए हमें महंगे फूल क्यों खरीदने? हम खुद ही बना लेंगे। ऐसे ये ज्यादा रोमांटिक लगता है। एक स्टेम बनाएंगे और ये हो गया। काश उसे पसंद आए। पता नहीं मैंने क्या बनाया है। वैसे ये है बहुत अच्छा, मतलब ये स्नेह है। मैंने भी कुछ बनाया। मेरे लिए? तुम किसी भी रोज से बहुत सुंदर हो। अब मुझे शर्म आ रही है, पर ये बहुत रोमांटिक है। हर किसी को अलग अलग आर्ट पसंद आता है, और जब तक आपको पसंद आ रहा है तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। आपको सबसे ज्यादा क्या बनाना पसंद है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही मजेदार चैलेंजेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।